2000 साल पुराना रहस्य से भरा एंटीक किथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आपको किसी ने दुनिया का पहला कंप्यूटर के बारे में पूछा तो आप अबेकस का नाम लेंगे, लेकिन अब एंटीक किथेरा मैकेनिज्म को आधुनिक युग का पहला एनालॉग कंप्यूटर का श्रेय जाता है। मगर दोस्तों, इस कंप्यूटर को एंटीक किथेरा नाम क्यों रखा गया, इसका मैकेनिज्म कार्य क्या है और इसे किसने बनाया, तो चलते हैं इन सभी बातों को विस्तृत रूप से जानते हैं। तो दोस्तों, 1901 में ग्रीक आइलैंड एंटीक किथेरा के तट पर एक पुराने डूबे जहाज का मलबा मिला था। जब उस जहाज के अंदर निरीक्षण किया गया तब उस जहाज में से एक लकड़ी का बॉक्स मिला जिसके अंदर हजारों साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर एंटीक किथेरा के तट पर मिलने के कारण इसका नाम एंटीक किथेरा मैकेनिज्म रखा गया। माना जाता है कि इस एंटीक किथेरा कंप्यूटर को ग्रीक वैज्ञानिक ने हजारों साल पहले निर्माण किया था, यानी वैज्ञानिकों के संशोधन अनुसार ये कंप्यूटर लगभग 2000 साल पुराना हो सकता है। इस वजह से इसको दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जा रहा है। जब इसे प्रयोगशाला में लाया गया और फिर वैज्ञानिकों ने जब इसे इंफ्रारेड इमेज टेक्नोलॉजी से डिकोड किया तब उन्होंने पाया कि ये कंप्यूटर बहुत ही जटिल मैकेनिज्म से बनाया गया है और इस कंप्यूटर के 80 से भी ज्यादा अलग अलग पार्ट्स हैं जिस पर यूनानी भाषा में कुछ खगोलीय लेख और कुछ कोड्स अंकित किए हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल चंद्र और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए किया जाता होगा और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस कंप्यूटर का उपयोग तारों की गणना के लिए भी किया जाता होगा। अपने सौर्यमंडल में मौजूद ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता होगा। दोस्तों, इस एंटीक किथेरा सिस्टम के बचे हुए भाग को राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय एथेंस में अभी भी संरक्षित रखे हुए हैं। पर ये एंटीक किथेरा कंप्यूटर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये किस लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।